अगेन सर अगेन सर 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 अगेन सर अगेन प्लीज प्लीज सर एक सर आप साइड देना आप साइड रहिए आप बताना चाहता हूं कि संसार में सबसे ज्यादा बर्फ इस पास पर पड़ती है 11,650 फुट पर आप लोग खड़े हैं यहां तक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है बीआरओ के द्वारा और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहां पर संसार में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊँगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है, 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फायदे हुए उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने करके दिखाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से ये है कि जो हमारे ट्रुप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं फ्रेश है, उनके अम्यूनिशन लॉजिस्टिक्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पहुंच पाएंगे। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया उसके बाद में एक स्टडी की और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती है। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके जो हम एयर से चीजें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।